गुड मॉर्निंग, वेलकम इन एग्जाम्स वेव। आपने अगर अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है हमारे यहाँ से आपको बेल आइकन के थ्रू मिल जाएगी। आज हम लोग ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है और पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। जैसे क्वेश्चन आपका ये है, इसमें क्वेश्चन लिखूंगा इंग्लिश में, हिंदी में बोल दूंगा। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹810, देन A merchant faced loss of 10%. If the same article is sold at rupees 990, then a merchant gets a profit of 10%. तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, find cost price of an article। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास ये है, इसमें आपने एक वस्तु को जब 10% हानि पर बेचा तो आपको ₹810 प्राप्त हुए, ठीक है। और उसी वस्तु को जब आप 10% लाभ पर बेचते हो तो कितने रुपए प्राप्त होते हैं आपको? ₹990। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य, सीपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सीपी फाइंड आउट करना है या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे तो हमको फाइंड आउट करना है क्रय मूल्य, ठीक है। कैसे फाइंड आउट होता है, एकदम बेसिक शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। जैसे हम लोग इस लाभ और हानि के चैप्टर में क्रय मूल्य को, सीपी को हमेशा 100% मानते हैं। सीपी को कितना मानते हैं? क्रय मूल्य को 100%। जब मैंने इस वस्तु को 10% हानि पर बेचा, इसका मतलब हानि जब होती है वो हमेशा क्रय मूल्य से माइनस हो जाती है, तो 100 में से 10 घटा दिया तो विक्रय मूल्य कितना आ गया आपके पास? 90%। 90% क्या है आपके पास? एसपी है या विक्रय मूल्य है। इसी वस्तु को जब मैं 10% लाभ पर बेचता हूं, ये आपके पास हानि है या फिर ये आपके पास लॉस है, 10% लाभ पर बेचता हूं तो ये आपके पास प्रॉफिट है। जब भी लाभ होगा वो आप क्रय मूल्य में जोड़ दोगे। 100 में 10 जोड़ा कितना हुआ? 110%। 110% ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास वो विक्रय मूल्य है जब मैं लाभ पर बेचता हूं। अब देखो, जब मैंने 10% हानि पर बेचा तब मुझे कितने रुपए प्राप्त हुए? मुझे प्राप्त हुए ₹810। और जब मैंने 10% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 110 पर बेचा, तब मुझे कितने प्राप्त हुए? ₹990 प्राप्त हुए। ये समझ में आ रहा है ना? 10% हानि, इसका 90 पर बेचा 810, 10% लाभ पर बेचा 990। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहां देखो, अगर मैं इसमें प्रतिशत में अंतर देखूं 90 और 110 का अंतर कितना? 20%। और रुपयों का अंतर देखूं, 810 और 990 का अंतर कितना? अंतर इसमें आता है आपके पास कितना? 180 रुपए का अंतर, और यहाँ 20%। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे 20% का मान कितना मिल रहा है? 180। सो वैल्यू ऑफ 20% इज 180। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। सवाल में क्या पूछा?
क्रय मूल्य। कैसे ज्ञात करोगे? सिंपल सा, 20 प्रतिशत का मान 180, तो 180 बटा 20 गुणा किससे कर देना? 100 से कर देना। ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 से कम 9, 9 का गुणा 100 से कर दिया, तो कितना आ गया आपके पास? 900 रुपए। ये आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य। ये आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य। ऐसे सवाल कई जगह मिलेंगे, यहाँ 10% जगह प्रतिशत बदल जाएंगे और सवाल आपका यही रहेगा। एक और सवाल इसी पैटर्न पे ले रहा हूं मैं, देखो एक और सवाल ले रहे हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 15% लॉस, देन अ मर्चेंट गेट ₹600। ठीक है, इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट रुपीज, सोल्ड एट, आप यहां परसेंटेज ले लो, सोल्ड एट 23% लॉस। ठीक है, 23% लॉस, देन अ मर्चेंट गेट ₹560। फाइंड कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, फाइंड कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो अब इस कंडीशन में क्या है आपके पास, दोनों तरफ आपको लॉस हो रहा है या हानि हो रही है। करने का तरीका क्या, सीपी को मानो आप, कितना सीपी को मानोगे आप? हमेशा 100%। जब मैंने इस वस्तु को 15% हानि पर बेचा, 15% हानि पर जब बेचा, इसका मतलब कितने पर बेचा मैंने? एसपी कितना मेरे पास? 85%। और दूसरी बार मैं 23% हानि पर बेच रहा हूं, तो माइनस कर दूंगा 23%, कितना आएगा 23%? तो एसपी जब देखूंगा ये मेरे पास आएगा कितना? 77%। ठीक है, अब देखो इन दोनों का प्रतिशत में अंतर, या फिर यहां से देखो, यहां पे ₹600 में बेचा है और यहां पे कितने में बेचा आपने? ₹560 में। बहुत बेसिक सी चीज अब समझ में आएगी। यहां पे इन दोनों का प्रतिशत में अंतर कितना? 85 में से 77 गया, इसका मतलब 8%। और इन दोनों का संख्या में अंतर कितना? संख्या में अंतर देखोगे तो ये 40 का। अब आपको चीज सीधी समझ में आएगी, क्या चीज है? 8% का मान कितना मिल रहा है आपको? 40 मिल रहा है। यहाँ पे जब मैंने किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा तो ये हुआ, और जब 23% हानि पर बेचा तो मुझे ₹560। 8% का मान आपको सीधा सीधा मिल रहा है, और आपको ज्ञात करना है क्या? क्रय मूल्य। तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, वैल्यू ऑफ 8% या 8% is 40, value of 8% is 40, और आपको CP find out करना है। जब CP find out करना होगा, इसका मतलब 100% का मान ज्ञात करना है, 40 बटे में 8, और गुणे में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, 8 एकम 8, 8 से आपके पास 5 हो गया, 5 से गुणा किया 100, 5 से गुणा किया 100। देखो ये सवाल मेरा ही बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ चेंजेस है, अदरवाइज पैटर्न ये रहता है, हम आगे कोर्स में देखेंगे। आप लोग हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए examswave.com। थैंक यू वेरी मच।